नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब अमित शाह का यूपी दौरा। यूपी में 29 अक्टूबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ से करेंगे आगाज। सियासी नब्ज टटोलेंगे अमित शाह। यूपी में भाजपा के 4 नए एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ली एमएलसी ने शपथ। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान ने ली शपथ। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव में जुटने का किया आह्वान। अमीरपुर के सरीला विकासखंड में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बकाया मानदेय के भुगतान के एवज में ली थी रिश्वत। यूपी के कन्नौज में रफ्तार का कहर। डंपर ने मारी साइकिल सवार छात्राओं को टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक घायल। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में भी 2017 की तरह चुनावी नतीजे दोहराएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से कमर भी कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ से सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन की बैठक भी लेंगे। प्रदेश में भाजपा के 2,30,00,000 सदस्य हैं और पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए 1,70,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से 10,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए विधायकों को सदस्यता के लिए 10-10 शिविर लगाने और फॉर्म भरकर मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए सदस्यों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर के दौरान अमित शाह सुबह के चुनावी नब्ज टटोलेंगे। जहां पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दी, तो अमित शाह अवध के इलाके में बीजेपी के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 4 नए एमएलसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के टंडन हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी भी उपस्थित रहे। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा योगी सरकार लगातार सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसी को लेकर यूपी में लगातार सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कोरोना कालखंड में हरेक व्यक्ति के जीवन को बचाने की कार्रवाइयों कुछ मॉडल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उस मॉडल को समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम लोग इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कटिक समाज के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस समाज से जुड़े हुए संत बाबा दुर्बलनाथ जी को
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आजादी के समय इस देश के अंदर अनुसूचित समाज में दो लोग थे जो उस समय के दलित समाज की आवाज बने थे, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित की और स्वतंत्र भारत में भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे। संविधान निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका है और दूसरे आजादी के कालखंड के दौरान बंगाल के अंदर जन्मे श्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। विद्वता में और उस समय दबे कुचले की आवाज में दोनों समान रूप से आगे बढ़े थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की एकता और अखंडता के सदैव समर्थक थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सदैव भारत की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के अंदर भले ही सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने सदैव कहा था कि भारत के अंदर रह करके ही, भारत के अंदर रह करके ही दबे कुचले वंचित और दलित समाज के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं समर्थन किया, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल से गलती हो गई, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। जोगेंद्रनाथ मंडल की क्या स्थिति हुई? वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने, उनके सामने ही जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर और दलितों पर सरेआम अत्याचार होने लग गया, उन्हें पाकिस्तान से भाग करके आने पड़ा और 1950 से लेकर 1965 तक भारत के अंदर गुमनाम निर्वासित जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। आज जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हित के लिए जो योगदान दिया, आज जन जन के वे तारणहार हैं, सबके लिए वे पूजनीय बने हुए हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देता है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है। राष्ट्र के साथ होने वाला कोई भी विश्वासघात कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। और भाइयों बहनों, हम सबको जो लोग आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, तो आपके हितेशी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मनसा बहुत साफ है। वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर कंगालियों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी। तो वहीं यूपी के कन्नौज में रफ्तार के कहर ने एक छात्रा की जान ले ली, साथ ही एक छात्रा इसमें गंभीर रूप से जख्मी भी हो गई है। जानकारी के अनुसार साइकिल सवार दोनों छात्राएं कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी तीरवा कुतवाली के बौद्ध नगर मोहल्ले के पास डंपर ने दोनों छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि एक का इलाज जारी है। खबर अब यूपी के हमीरपुर से, जहां यूटा के सहयोग से सरीला विकासखंड में तैनात बाबू को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यूटा के प्रदेश संयोजक विक्रांत पटेरिया तथा जिलाध्यक्ष रमाकांत शुक्ला ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्र कुमारी के बेटे मनीष कुमार के आरोपी के खिलाफ शिकायत उन्होंने की, जिसमें बताया गया था कि उसकी ब्लॉक प्रमुख मां कार्यकाल के लगभग एक साल 1,00,000 से अधिक मानदेय की बाकी राशि है, जिसको देने के एवज में बाबू पुतनलाल वर्मा रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। उनका मामला 20,000 रुपए में तय हुआ, आज उनका तय हुआ कि 26 तारीख को पैसे ले लिए। इसकी शिकायत इन्होंने हमारे कार्यालय झांसी में आकर की थी, जिसके संबंध में मुख्यालय से टीम का गठन हुआ
और जिलाधिकारी हमीरपुर के यहाँ से 200 साक्षी लिए गए और आज आके इनको जो है 20,000 रुपए रिश्वत देते हुए हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। 11 माह 17 दिन का जो कि 1 लाख है के आसपास था, उसके लिए मैं ब्लॉक में कई बार परेशान हुआ और BDO साहब रतनलाल वर्मा जी से भी मिला। सारी समस्याएं जानने के बाद भी उन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसके लिए मुझे 20,000 रुपए की डिमांड की गई और मैंने इस शिकायत को मिस्टर विक्रांत पटेरिया जी जो कि यूटा के प्रदेश संयोजक हैं उनसे पूरी वार्ता करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे झांसी विजिलेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करवाया। वाराणसी के विकासखंड के परमानंदपुर स्थित विकास इंटरमीडिएट कॉलेज में खेलो बनारस का आयोजन किया गया, जिसमें हरुआ विकासखंड के सभी बच्चों ने अपने गेम में दमखम दिखाया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक कुमार सिंह ने इस पर बताया कि खेलो बनारस गांव का गेम है, गांव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच शामिल रही है। तो वहीं इंटरनेशनल एथलीट नीलू मिश्रा ने कहा कि पहली बार ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर से शुरू हुई है, हाँ बनारस के जितने भी ग्राम थे ग्राम स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, इसमें कुश्ती है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, ये सब प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और ग्रामीण स्तर से बच्चे जब निकल के न्याय पंचायत पे आ रही है ब्लॉक स्तर पे, और पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ कि ब्लॉक स्तर पे इतने सारे खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। ये खेलो बनारस गाँव का खेल है और गांव के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए खेलो बनारस का आयोजन किया गया है। इस खेलो बनारस में केवल गांव के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह योगी सरकार और BJP सरकार की एक सोच रही है कि प्रतिभाएं गांव में छिपी रहती हैं और उन प्रतिभा को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खेलो बनारस का आयोजन किया गया है। अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर SP दिनेश कुमार पी ने शहर का जायजा लिया, साथ ही आमजन और व्यापारियों से चर्चा कर त्योहारों के दौरान आने वाली परेशानियों की जानकारी उन्होंने ली। आपको बता दें कि शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा एवं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अपने फोर्स को साथ लेकर जगह जगह हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ साथ दुकानदारों से, पब्लिक के लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं कि कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता, तो भी सुधार करेंगे। दिवाली एवं आने वाले आगे पीछे के काफ़ी सारे त्यौहार हैं, उसके मद्देनजर ये पैदल गश्त किए गए। खबर वाराणसी से, जहां दीपावली के पर्व से पहले जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यह अभियान पटाखे नहीं फोड़ने और मिट्टी के दीप से त्योहार को मनाने को लेकर शुरू किया गया। साथ ही अभियान के तहत सैकड़ों छात्राओं ने शपथ ली और दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने और घर पर मिट्टी के दीप भी जलाने का प्रण लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग दिवाली के मौके पर यूपी के गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम फिलहाल आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 1,132 करोड़ व 144 विकास व चिकित्सा परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सीधा लाइव जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। लगातार इस बात की कोशिश की कोरोना की महामारी
बुलंदशहर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस घटना के बाद पीड़िता को दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर मामला सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में 15-10 की एक घटना है, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के गांव में और उसके घर उठने बैठने वाले एक 45 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। और उस व्यक्ति का उस बच्ची के घर आना जाना था। बच्ची के माता पिता खेत पे गए थे, 13 साल की बच्ची खेल रही थी, उसे अकेला देख करके उसके साथ गलत कार्य किया गया और उसका गला दबा दिया गया, जिससे वो बेहोशी की स्थिति में चली गई। परिवारीजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बाद में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर बलात्कार की धारा की वृद्धि कर दी गई है। साथ ही साथ लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के फतेहपुर में जिला प्रेस क्लब संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पत्रकार समिति के सदस्य प्रेम शंकर अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान पत्रकारिता के हालातों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की, साथ ही कहा कि समाज में एक पक्षीय पत्रकारिता से पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है। पत्रकारों को गणेश शंकर विद्यार्थी के मार्गदर्शन पर चलकर लोगों की संवेदनाओं को समझकर ही खबर प्रकाशित करनी चाहिए। के पारिवारिक सुविधा के लिए स्वास्थ्य संबंधी लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं और उसमें जो मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है उस पर गहन विचार हो रहा है और लगभग कार्ड बन भी गए हैं। और से चलिए फिलहाल रुक करेंगे यूपी के गोंडा जिले की ओर, जहां पर विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित है। श्रीमती रेणु देवी ग्राम्य विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन माँ बारानी स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों में 983 डीसी से भी चयनित की गई है। श्रीमती रेणु देवी श्रीमती सहवालों ग्राम्य विकास विभाग की ओर से मनरेगा आपको प्रशस्ति पत्र स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों में 549 महिला भेंट चयनित किए गए हैं। श्रीमती सहवालों योजना से अब तक 92 लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं।
उत्पाद के अंतर्गत आपको 25 लाख का डिवोशन 25 करोड़ की 3 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। श्री राम सुंदर सिंह जी कृषि विभाग द्वारा फॉर्म मशीनरी बैंक चाबी और प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। योजना से कुल 12 समितियां आच्छादित की गई है। श्रीमती दुलारी जी श्रम विभाग द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत आपको डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है। योजना से 126 लाभार्थी आच्छादित किए गए हैं। श्री हसन मोहम्मद जी कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। श्रीमती जमुना देवी जी श्रम विभाग द्वारा निर्माण कामगार नृत्य विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना व अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत आपको चेक प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश साहू जी ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत डेमो पंजीयन पत्र इन सभी के लिए एक बार सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति सकारात्मक सोच ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जिनकी प्रेरणा और अनुरोध प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के निर्णय उच्च सोपान चढ़ता हुआ नवीन नीति और स्थापित कर रहा है उसे अभी आगे के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने शुभ आशीर्वादों से अवसर को अवसर कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।